कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि हमने क्या क्या प्रिकॉशन नी रिप्लेसमेंट के बाद भी लेने चाहिए, तो ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में बेसिकली है आर्टिफिशियल चीज़, तो आपको जिस तरह से आप अगर ध्यान से उसको रखेंगे तो इसकी लाइफ डेफिनेटली प्रोलॉन्ग होगी। तो क्योंकि वियर एंड टीयर सब जैसे पालती मारना आज तो अच्छे इम्प्लांट के साथ वो पॉसिबल है, बट हम उनको बोलते हैं कि जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। जंपिंग एक्टिविटीज़, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, टेनिस, जिस पे नीज में स्ट्रेस पड़ता है वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे जो आर्टिफिशियल जो जॉइंट है उस पर वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर लूजनिंग और फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम जंपिंग एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उन सब के लिए हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आप ऑपरेशन से पहले भी जो हमने बाकी स्टेजेस बताई उसमें भी और ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि बोन और मसल्स की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। साथ में हम डाइटरी चीज़ें में रखते हैं, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से रिलेटेड चीज़ें, कैल्शियम, विटामिन डी जिसमें ज़्यादा होता है, बादाम, मशरूम, बनाना, इन चीज़ों में जैसे कैल्शियम का कंटेंट, विटामिन डी का कंटेंट ज़्यादा होता है वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। थैंक यू।